press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ अतुल चौरसिया। आपका खर्चा, आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। हमारे साथ इस समय चर्चा में तीन मेहमान मौजूद हैं। तीनों लोग अलग अलग लोकेशन पर मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता ही है, लॉकडाउन की स्थिति है कोरोना के चलते, तो इस वजह से सारे लोग हम सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल करके ये पॉडकास्ट आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नेहा शर्मा हैं, जो कि लंदन में रहती हैं, एसोसिएशन ऑफ द ओवरसीज डॉक्टर इन द यूके की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर नेहा, आपका स्वागत है न्यूज लॉन्ड्री पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर विजय हड्डा मौजूद हैं, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के पल्मोनरी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर हड्डा, आपका भी स्वागत है न्यूज लॉन्ड्री पर। थैंक यू। और इसके अलावा न्यूज लॉन्ड्री के हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी हमारे साथ हैं। मेघनाथ, चर्चा में आपका भी स्वागत है। नमस्ते सर, नमस्ते। ज़्यादातर चर्चा जो है वो इसी के इर्द गिर्द रहेगी, कोरोना वायरस और इसके इन्फेक्शन के इर्द गिर्द ही हम रखेंगे। इसके तमाम पहलुओं की कोशिश करेंगे कि अगले 45 मिनट में हम कवर करें। एक बार मैं जल्दी से मोटी मोटा एक आंकड़ा अपने श्रोताओं को दे दूं कि इस समय जो इन्फेक्शन है पूरी दुनिया में, जो कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या है, वो 14,87,000 यानी कि 15 लाख को छूने वाली है। और इसमें करीब 88,000 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और करीब 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि रिकवर भी हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम से। भारत की बात अगर हम करें तो भारत में जो संक्रमित लोग हैं, इन्फेक्टेड लोग हैं, उनका आंकड़ा अब तक 5,700 के आसपास पहुंच चुका है, जो कि 6,000 को छूने वाला है। हम कोशिश करते हैं कि, उम्मीद करते हैं कि इसमें कमी आएगी। और अब तक भारत में 166 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। जो विषय हैं उसमें एक तो सबसे बड़ी, चूँकि हमारे साथ दो ख़ास मेहमान हैं, डॉक्टर हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि एक तो मामला सामने आया कि बॉम्बे में हमने देखा एक पूरे हॉस्पिटल को, वॉकहार्ड हॉस्पिटल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर 26 नर्सें थी वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा बॉम्बे का ही जो जसलोक हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी OPD को बंद करना पड़ा। यहाँ पर हमारे यहाँ एम्स में भी OPD बंद चल रही हैं। कई स्थितियां हमने देखी, मसलन भोपाल एम्स में हमने देखा कि कुछ डॉक्टरों के ऊपर हमले हुए, डॉक्टरों के साथ लोगों का एक बड़ा नकारात्मक रवैया दिखा। उनकी एक अपनी चिंता है, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो नर्सेज हैं, जो चिकित्सा समुदाय से जुड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, वो हर दिन एक ऐसी मुसीबत का सामना करने जा रहे हैं जिसमें बहुत बड़ा रिस्क है। तो दो, चूँकि हमारे साथ दो डॉक्टर हैं, तो इस चिंता को हम और उसके ज़रिए जो परिवारों की चिंता है, जो और इसकी समस्याएं हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बॉम्बे से ही एक और बड़ी खबर है, जो कि बॉम्बे के धारावी इलाके की बात। हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर एक बड़ा स्लम है और उसमें एक कम्युनिटी लेवल का वो स्प्रेडिंग शुरू हो गई है, ऐसी खबर आई सामने। तो ये एक बड़ी समस्या के तौर पर हमारे सामने आ रहा है कि अगर भारत में कम्युनिटी लेवल की स्प्रेडिंग शुरू हो जाएगी, फैलाव भी अगर शुरू हो जाएगा कोरोना का, तो हम कैसे इससे बच पाएंगे, क्योंकि भारत में अभी भी न तो स्वास्थ्य सुविधाएँ उस स्तर की हैं और उसके अलावा हमारे यहाँ आबादी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सघन है और बहुत ही ख़राब स्थितियों में लोग रहते हैं, जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ठीक नहीं है। तो कोशिश करेंगे। एक मिनट इंटरप्ट करूंगा और थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहूंगा आपसे। ये जो कम्युनिटी स्प्रेड का जो मामला है, तो इसमें DMC ने बोला कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, राइट? और पर हमारे गवर्नमेंट ने अभी तक एडमिट नहीं किया है। हाँ, तो मतलब सरकार हम अभी स्टेज टू में है। हाँ, सरकार की तरफ से इस तरह का कोई अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन और ये भी बॉम्बे के सिर्फ एक इलाके में, जो वर्ली कोलीवाड़ा है, वहां पर इसकी स्थिति देखने को मिली है।
इसके अलावा एक अमेरिका और भारत के बीच में एक तनाव की छोटी सी स्थिति बनी पिछले हफ्ते, जो कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की एक दवा है, उस दवा के निर्यात को लेकर, उसके एक्सपोर्ट को लेकर अमेरिका ने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक छोटी सी एक इशारों इशारों में धमकी जैसी भाषा का इस्तेमाल किया और उसके बाद भारत ने उसके निर्यात पर लगा प्रतिबंध को हटा दिया है। साथ में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट जारी हुई है, जो कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि बड़ी संख्या में, जो बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ लेबर का दिल्ली और तमाम बड़े शहरों से गांवों की तरफ, उसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में लगभग 40 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें लेबर के बेरोजगारी की संभावना आशंका जताई गई है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है और इन्हीं के इर्द गिर्द हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि डॉक्टर नेहा शर्मा हमारे साथ हैं, डॉक्टर नेहा शर्मा के साथ एक और दिलचस्प बात ये है कि वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव थी और उससे उभर चुकी हैं, तो उनका वो अनुभव भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शर्मा, वो जो अनुभव है, एक कोई भी इस समय बहुत डरा हुआ है और आप चूंकि उससे बाहर निकल के आई हैं, तो किस तरह की स्थितियां होती हैं, क्या चलता है, क्या किस तरह के सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या एहतियात बरतते हैं आप लोग, आप जब इससे आप पॉजिटिव हो जाते हैं, एक बार इसके संक्रमण में आ जाते हैं। जी, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगी कि मेरी कभी टेस्टिंग नहीं हो पाई है यहाँ पे कि मुझे कोरोना था कि नहीं था, बट मेरे जितने भी लक्षण थे वो सारे इस तरीके से थे कि इनिशियली बहुत ही वीक सिम्टम्स मुझे चालू हुए, जिसमें सिर्फ मुझे सिर दर्द था, मुझे काफी थकान महसूस हो रही थी, मेरे गले में थोड़ी सूजन थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे हर समय एक माइल्ड ग्रेड फीवर है। कभी भी मेरा जो बुखार था वो बहुत हाई नहीं था, पर हमेशा मुझे ऐसा लग रहा था। पहले मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 दिन से लगातार हॉस्पिटल में काम कर रही थी और मैं करीबन 5 दिन हॉस्पिटल के अंदर ही अकोमोडेशन में सो रही थी। सो मुझे पहले समझ नहीं आया कि ये एग्जर्शन है, कि ये एक्चुअली मुझे कोविड है, ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया। बट उसके बाद में जब मुझे ऐसा लगा, जब मेरा चेस्ट पेन चालू हुआ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ समथिंग डिफरेंट है, क्योंकि मुझे, मैं कम्प्लीटली एक हेल्दी इंडिविजुअल हूँ, मैं मैराथन रनर हूँ, मैं रेगुलर एक्सरसाइजेस करती हूँ, ये जो पेन है मुझे, ये क्यों है? और मतलब ऐसा हो रहा था कि जब मैं सांस ले रही थी ये दर्द मुझे बढ़ रहा था। और मैंने इनिशियली पैरासिटामोल खा के भी देखा, क्योंकि यूजुअली अगर ये पेन आपके चेस्ट से आ रहा है, आपके प्लूरा के इन्वॉल्वमेंट से आ रहा है, तो ये पेन आपका पैरासिटामोल से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सो फर्स्ट चीज मैंने यही किया कि मैंने पैरासिटामोल खाई और मैंने उसके बाद देखा कि कुछ असर होता है क्या, कुछ इंप्रूवमेंट है क्या, बट मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिला। इसी बीच में ऑलरेडी कोविड सेंटर, हमारा जो कमांड सेंटर लंदन में, हमारा एक हॉस्पिटल जो अभी बना है, जिसमें हम NHS एम्प्लॉयज को सबको रिपोर्ट करना पड़ता है अगर हमारे पास ऐसे कोई भी लक्षण है जो कोविड की तरफ सिग्निफाई करते हैं, तो हमें उनसे गाइडेंस लेनी पड़ती है और उनके बताए हुए गाइडेंस के हिसाब से हमें आगे एक्ट करना पड़ता है। सो उनका ये कहना था कि आप सिर्फ आइसोलेट हो जाइए 7 दिन के लिए, अपने जितने भी लक्षण है उनको मॉनिटर करिए घर पे, और किसी भी समय अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्सनिंग हो रही है, तो 111 को कॉल करके आप आगे की जो भी चीजें हैं उनके हिसाब से गाइडेंस लीजिए। सो इट वाज वेरी ट्रिकी फॉर मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कोविड है कि क्या है, बट जब मेरे सिम्टम चेंज हुए तो मुझे लगा डेफिनेटली ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल फ्लू या नॉर्मल वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, डेफिनेटली मैंने कैच किया है, ये कोविड ही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे कोविड टेस्टिंग NHS एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल नहीं थी, ये रिसेंटली पिछले हफ्ते से चालू हुआ है। बट बहुत सारी परेशानियां हैं जब आप एक इमिग्रेंट डॉक्टर होते हैं, जब आप बाहर से आते हैं और यहाँ पर आके जब काम करते हैं, आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, आपके पास आपकी कार नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली गाइडेंस ऐसा है यहाँ पे कि अगर आपके पास आपकी कार नहीं है तो आप टैक्सी नहीं ले सकते, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते टेस्ट सेंटर पे पहुंचने के लिए, ताकि आप अपने स्वाब टेस्ट करा सके, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते। So, मेरे लिए सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि मेरे पास कार नहीं होने की वजह से मैं कभी अपना टेस्ट नहीं करा सकती थी, क्योंकि मैं टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले नहीं सकती, और मेरा जो हॉस्पिटल है करीबन 21 किलोमीटर की दूरी पर है मैं जहां पर रहती हूँ, तो मेरे लिए हर दिन 2 घंटा ट्रैवल करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से और वापस आना, ये मेरा नॉर्मल रूटीन था अभी तक। सो बहुत मुश्किल था, बट
जब मेरा चेस्ट पेन ऑलमोस्ट 6-7 दिन तक लगातार बना रहा, तब ऑब्वियसली 3-4 बार मैं ऑलरेडी कोविड सेंटर पे, कमांड सेंटर पे बात कर चुकी थी, और बाद में मुझे 111 को कॉल करना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं, मेरे सिम्टम्स जो है ये कुछ अलग है और मुझे लगता है आई गॉट कोविड एंड आई थिंक मेरा जो चेस्ट पेन है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा चिंता का कारण है अभी, और क्या करना चाहिए. तो मुझे गाइडेंस ऐसे मिला, मेरी सिम्टम्स और जितने भी थे, मुझे जो GP थे उस पर उन्होंने मुझसे बात की. मेरे पास 2 बार उनका कॉल आया और उनको भी ऐसा लगा कि शायद या तो मेरा हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है जिसे हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, या शायद मेरे लंग का इन्वॉल्वमेंट है जिसे हम प्लूराइटिस कहते हैं. तो उन्होंने मेरा एंटीबायोटिक चालू किया, बट अनफॉर्चुनेटली जहां पे उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन भिजवाया वहां पे सिस्टम फेलियर था, तो मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं मिला, मुझे एंटीबायोटिक्स भी नहीं मिली. फॉर्चुनेटली आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इंडिया से होने की वजह से हमेशा हमारी आदत होती है, जब भी हम वापस बाहर जाते हैं या वापस अब्रॉड जाते हैं और हम इंडिया विजिट करते हैं, हम सारी अपनी दवाइयाँ सब कुछ अपना सब कुछ लेकर आते हैं, ताकि हम, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे सिस्टम बहुत डिफरेंट है. अगर आपको एक सिंपल भी मेडिसिन चाहिए तो आपको एक प्रॉपर चैनल से गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है आपको मेडिसिन पाना. सो फॉर्चुनेटली मेरे पास वो एंटीबायोटिक्स थी, एमोक्सिसिलिन और ये सब मेरे पास ऑलरेडी था, तो वो चालू किया मैंने. आज मेरा 4th दिन है एंटीबायोटिक का. फीवर मुझे अभी भी 38 डिग्री का है, चेस्ट पेन थोड़ा बेहतर है, बट मुझे अभी रिपीट ECG कराना है और उसके बाद आगे जो भी जैसे भी लक्षण रहते हैं उसके हिसाब से आगे अपना मैनेजमेंट कंटिन्यू करना है. सो आई थिंक इट वॉज ट्रिकी, इट वॉज वेरी ट्रिकी फॉर मी. ओके डॉक्टर हड्डा, आपने सुना डॉक्टर नेहा शर्मा का अपना एक अनुभव था, और यहाँ पर हम चूंकि एम्स में, हमारे यहाँ सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है मेडिकल का और सबकी, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें एम्स से लगी हैं, तो जिस तरह की के अनुभव हैं और जिस तरह की ज़रूरतें हैं उससे निपटने के अगर जो उपाय, और उसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग व्यक्तिगत तौर पे एक आदमी किन चीज़ों का ध्यान रखे, अगर थोड़ा सा आप इसके बारे में हमें बता सकें और थोड़ा एम्स की तैयारियों के बारे में अगर हमें बता सकें. देखिए, आपके जो 2 सवाल हैं बहुत ही पर्टिनेंट हैं अभी कोविड के मद्देनज़र. एक तो पहली बात आपने पूछा कि एक आम आदमी क्या कर सकता है, तो सबसे ज़रूरी है, अभी जैसे गवर्नमेंट ने भी लगा रखा है कि कंप्लीट लॉकडाउन है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप अननेसेसरी विजिट ना करें कहीं पे भी, पहली बात. दूसरा चीज़ ये है कि अपना पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव करना है, स्पेशली जो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो भी एक प्रॉपर तरीके से, आप साबुन से कम 20 सेकंड के लिए बार बार हाथ धोते रहिए, और स्पेशली जब भी आप मुंह या आँख या नाक को छूते हैं उससे पहले तो जरूर धोना है. तीसरी चीज़, अगर अभी तो हम उस स्टेज में हैं कि हमने गाइडलाइन बनाई है कि कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है घूमने के लिए तो विदाउट मास्क नहीं जाएगा, चाहे उसको सिम्टम हो चाहे ना हो, तो उसको मास्क लगाना है. कई बार लोगों को मास्क की भी प्रॉब्लम आती है कि कौन से मास्क लगाना है, क्योंकि मास्क भी इतने तरह के हैं दुनिया में, या मार्केट में जब जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि कौन से वाला मास्क हम यूज़ करें. तो अभी मेरी सलाह यही है कि जो भी मास्क आपके पास है वो यूज कर सकते हैं. कई बार हम ये भी बोलते हैं कि आप घर पे भी अपना मास्क बना सकते हैं कपड़े का, क्योंकि उसका रख रखाव थोड़ा इजी होता है, आप आराम से उसको धो भी सकते हो साबुन से. और मैं ये सलाह दूंगा कम से कम 2 मास्क रखें, एक दिन आप एक यूज कीजिए और उसको बदल बदल के फिर उसको धोते तो अगले दिन दूसरा यूज कीजिए, पहली बार. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि एक मास्क सिर्फ घर का एक ही आदमी यूज करें. हम जो इंडिया वाले हैं ना, ये एक बहुत कॉमन है कि चलो सब कुछ शेयर कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है. एक मास्क का मतलब एक आदमी, जो मास्क आप मैंने लगाया है कोई और घर वाला नहीं लगाएगा, ठीक है. और उसके बाद में आपने बोला कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है. देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही ICMR ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइन बनाई हैं कि इस पेंडेमिक से या एपिडेमिक से किस तरह से हम बेस्ट वे में मैनेज कर सकते हैं. तो उसमें एक तो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक तो उन्होंने बनाया है कि जहाँ पे बिल्कुल माइल्ड वाले केसेस, जैसे अभी डॉक्टर नेहा बता रहे थे कि इनिशियली उनको सिर्फ माइल्ड फीवर था, थ्रोट पेन था, वो थोड़ा बहुत डिस्निया था, तो ऐसे वाले पेशेंट्स, या कई बार हम सिर्फ कोविड सस्पेक्ट करते हैं पर वो ज़्यादा बीमार नहीं होते, तो एक फैसिलिटी उन वालों के लिए जिसको हम कोविड केयर फैसिलिटी बोल रहे हैं या कोविड सेंटर बोल रहे हैं. फिर दूसरा एक फैसिलिटी बनाया है जिसमें थोड़े से ज़्यादा बीमार हों,
मान लो कि किसी को ज़्यादा तेज बुखार हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हल्का निमोनिया है, तो दूसरा फैसिलिटी उसके लिए है। फिर एक तीसरा फैसिलिटी बनाया है जिसको कोविड हॉस्पिटल का नाम दिया गया है। तो उसमें ये फैसिलिटी है कि चाहे कितना भी सीवियर पेशेंट हो, मतलब किसी को अगर ऑक्सीजन कम हो रही है या ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो हम उसको सीवियर वाला वाला कोविड बोलते हैं, और पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है, आईसीयू केयर की जरूरत पड़ सकती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो जो हाईएस्ट जो सेंटर है उसमें सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो जो ये पहले वाला जो हमने फैसिलिटी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो ज़्यादातर मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किया हुआ है। ये किसी स्कूल में हो सकता है, या कोई प्राइवेट छोटा नर्सिंग होम हो सकता है, या कोई लॉज हो सकता है, या कोई बैंक जैसे बैंकेट हॉल होता बैंकेट है हॉल हो वेडिंग के सकते लिए। हैं जी, ट्रेनों यस, को भी बनाया तो गया है कुछ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल कहीं पे भी, जहाँ पे इवन कई कई जगह तो इसको फीवर क्लिनिक का नाम भी दिया है कि भी किसी को फीवर हुआ तो वो आए और वहाँ पे देख के फिर उसको असेस कर लेंगे कि उसको सिंपल वाला फ्लू है या कोविड रिलेटेड बीमारी है, क्या उसको आगे रेफरल चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस तरह से देख के आप देखें तो तैयारी तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सब मिलके WHO के कंसल्टेशन में सारे लोग लगे हुए हैं। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट स्टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।